हेलो डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? नारिस, कितना टाइम हो गया आपको अंजार साहब के साथ काम करते हुए? अरे बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? कैरियस तो नहीं है उसमें, कोई पेरिडोंटल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है? ए टेक्निकल टर्म हो चुकी है ना। एक ऐसे दो टाइम बोलते हैं कि ब्रश करना चाहिए ध्यान रखने के लिए। हाँ, हमारे दांतों का ध्यान रखने के लिए। थैंक यू। दोबारा बोल, अभी बाय बाय तो बोल दो। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। वेल हेलो, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं अथर हबीब और आप लोग देख रहे हैं अथर हबीब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो जैसे आज आप लोग ये देख के समझ ही गए होंगे, अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे अपने भाई के पास जाना था थोड़ा अपना रेगुलर जो टीथ का क्लीनअप होता है वो करवाने के लिए। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इसी के ऊपर मैं एक ब्लॉग बनाऊँ और आप सबको भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूँ। तो बस फिर क्या था, हमने गाड़ी उठाई और चल दी अंजर की क्लिनिक की तरफ। एक्चुअली उसने मुझे बोला था कि यार भाई तू यहाँ आकर शूट करेगा, मुझे फिर शर्म आएगी, एक काम करना जब सारे पेशेंट चले जाएंगे तो मैं कॉल करूंगा, तू आ जाना। बस फिर क्या था, मैं पहुंच गया उसकी क्लिनिक में। तो ये है डॉक्टर अंजर हबीब, BDS MD। तो आज मैं इनके पास आया हूँ, हम लोग कुछ सवाल भी करेंगे इनसे दांतों को लेकर और कैसे हम अपने दांतों को हेल्दी रख सकते हैं। रेगुलर जो एक मिथ है कि सुबह शाम ब्रश करना चाहिए, क्या वो ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी तो है, लेकिन डॉक्टर से भी पूछना बहुत ज़रूरी है। तो अंदर क्या लगता है आपको कि हमारे जो दांत हैं, जैसे हमारे फील्ड में होता है कि दांत बहुत अच्छे होने चाहिए, खैर सब जगह ही होता है आजकल कि दांत तो अच्छे होने ही चाहिए, हमारे फील्ड में खासकर ये होता है कि दांत एकदम जो हीरो होता है उसके मोतियों की तरह चमकने चाहिए या एकदम अच्छे होने चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक बार आया था कि मैं क्यों ना आपसे ये पूछूं कि दांतों को वाइट करने के लिए कुछ कोई ऐसा कोई मेडिसिन है या कुछ कुछ है ऐसा? देखिए, आपके फील्ड में टीथ को वाइट करने के लिए तो ब्लीचिंग होती है, जो जो फिल्म स्टार्स हैं वो करवाते हैं। हाँ, उसको करवाने के लिए आपको 2-3 सिटिंग्स देनी होती है। अच्छा, तो उसमें शेड्स हम सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, एक शेड तो 15-15 मिनट्स की सिटिंग्स हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो उसका कोई नुकसान तो नहीं है? उसमें थोड़ी सेंसिटिविटी होती है। अच्छा, उसके लिए हम पहले फ्री ऑफ मेडिकेशन देते हैं थोड़ा। अच्छा, और सेंसिटिविटी के लिए माउथ वॉश और पेस्ट देते हैं। अच्छा, पेस्ट। अच्छा, आप हमें एक चीज़ और बताइए कि हमारे दांतों को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दांतों को हेल्दी रखने के लिए 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो ब्रशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रशिंग 2 times ज़रूरी है करनी, सुबह और शाम, और कम से कम 2 minutes लगा के ब्रशिंग ज़रूरी है। अच्छा, एक मेरे दिमाग में और सवाल आ रहा है कि जैसे ब्रश जो बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं, कोई ऐसे ऐसे करते हैं, कोई बोलते हैं कि हार्ड जो ब्रश है वो इस्तेमाल करते हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं सॉफ्ट ब्रश जो है आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या सही है? ब्रश सॉफ्ट ही यूज़ करना चाहिए। अच्छा, और कोशिश करें 1-2 महीने बाद चेंज कर दें। अच्छा, ब्रश। अच्छा, क्योंकि अगर उसके ब्रिसल्स हार्ड होंगे तो वो इनेमल को नुकसान पहुँचाते हैं। अच्छा अच्छा, और सही तरीका? सही तरीका ये है कि उसको हॉरिजॉन्टली नहीं करना, उसको वर्टिकली करना है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। एक तरह से हमने जो प्लाक इकट्ठा होता है टीथ पे उसको रिमूव करना है। अच्छा, ना कि अपने दांतों को रगड़ना नहीं है। अगर हम उसको रगड़ेंगे दांत तो घिस जाएंगे। हमने सिंपली जो प्लाक जो भी फूड पार्टिकल्स जो जमा हुए उसको हमने रिमूव करना है। अच्छा अच्छा, और ये रेगुलर जो क्लीनअप है कितना ज़रूरी है दांतों के लिए? ये बहुत ज़रूरी है, ये एटलीस्ट 6 months के बाद एक बार तो ज़रूर करवानी चाहिए। जो ओरल प्रोफाइलेक्सिस है वो 6 महीने में एक बार तो ज़रूर करवानी चाहिए, साल में 2 बार। अच्छा अच्छा, तो चलिए अब हम लोग अपना क्लीनअप स्टार्ट करते हैं। ये हैं हारिस जी जो यहाँ पे काम करते हैं। हारिस, कितना टाइम हो गया आपको अंजार साहब के साथ काम करते हुए? अरे बोलो, शर्मा क्यों रहे हो यार? एक तो यहाँ पे सब लोग ना, मतलब ऑब्वियसली बात है, एक्टर थोड़ी है बेचारे, कैमरा फ्रेंडली कैसे होंगे। अच्छा चल बोल दे, शर्मा नहीं, अभी कितने साल हो गए काम करते हुए? 6 साल हो गए। अरे तो शर्मा क्यों रहा है भाई, अच्छे से बोल देना कि 6 साल हो गए। मजा आ रहा है काम करके? नहीं आ रहा है?
लगता है ये तो हमारे साथ बात नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं। तो ये जो है ये हमारा सेटअप है, आई मीन डॉक्टर साहब का। तो किस पे बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब? इस पे। पेशेंट जैसी फीलिंग आ रही है मेरे को। दांत तो मेरे अच्छे ही हैं यार, लेकिन फिर भी ज़रूरी है सारी चीज़ों को अच्छे से उसका देखभाल करना, सब ज़रूरी है। सेहत का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी का ध्यान रखने के लिए, अच्छा खाते पीते हैं, इसलिए ये भी ज़रूरी है रेगुलर क्लीनअप। यार अब ये सिचुएशन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस वक्त मुझे बकरे जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे बकरा होता है ना कुर्बानी का बकरा, वैसा लग रहा है मुझे कि मैं एक कुर्बानी का बकरा हूँ। अरे वैसे किसको अच्छा लगता है डॉक्टर के पास जाना, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा। अब कोई बीमार होगा तो डॉक्टर भगवान से अल्लाह में से कम नहीं होते। कमाल है ना यार, कल तक हम दोनों छोटे छोटे थे और मुझे याद है कि अंदर बचपन में इतना शैतान था ना, मतलब ये मुझे मार के खुद से रोना शुरू कर देता था। मतलब अम्मी पापा देख रहे हैं ना तो ये देख लेता था कि मम्मी पापा आ रहे हैं तो खुद से ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता था। और सोचो इसने जो मारा वो तो मारता ही था मुझे, और जो अम्मी पापा से पड़ती थी वो अलग से। एक बार बड़ा बुरा फंसा था ये। मुझे याद है कि हमारे घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था और वो एक छोटे से टेबल के ऊपर रखा रहता था। अब उसका जो स्विच था ऑन करने का वो टेबल के जस्ट पास ही था, तो उसके लिए हमें एक छोटे टेबल पर चढ़ के उसको ऑन करना पड़ता था। अब ये भाई साहब चढ़ने के लिए ऊपर गए और टीवी पूरा ही नीचे गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। तब मुझे बड़ा मज़ा आया कि अब पापा आएंगे इसको खूब पड़ेगी, क्योंकि मम्मी से तो पड़ ही चुकी थी। लेकिन जब पापा आए तो उन्होंने तो उल्टा इसको गले से लगा लिया, ये तो बच गया। हाय, जो फाइनली डन हो गया है। जो सेंसिटिविटी रहती है दांतों में उसका क्या इलाज है? देखिए सेंसिटिविटी के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर तो थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी हो तो वो डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट आते हैं उसके लिए, वो हम यूज़ करवाते हैं फॉर 1 मंथ। अगर उससे ठीक हो जाए तो बेटर, अगर ना ठीक हो तो फिर हम एक्सरेज लेते हैं। एक्सरेज में फिर हम देखते हैं कि कोई टूथ कैरियस तो नहीं है, उसमें कोई पेरिडोंटल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। टेक्निकल टर्म हो चुकी है ना। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, मेरा इतने अच्छे से मेरे दांतों की सफाई करने के लिए और हमारे दांतों का ख्याल रखने के लिए, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। तुमने हमारे साथ बात तो नहीं की, खैर चलो अभी बाय बाय तो बोल दो। मोस्ट वेलकम। चल बाय।